इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नगर के नर नारी जान रहे हैं कि सियाजू कौन है, ये तो जगत जननी है। राम जी कौन है? अरे वो धनुष भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठा वन डर इन ठारा। उस धनुष को भगवान ने ले चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। ते छन राम मत्य धन थोरा, भरे भुवन दोनी। वो धनुष जब राम जी तोड़ दिए तो राम जी जीव नहीं है, दिव्य अति दिव्यतम है। कौन है ये न जाने, दुल्हा जी है। जब सियाजू दिव्य हैं, राम जी दिव्य हैं, तो इनके तीनों भैया भी दिव्य होंगे। यहां एक और बात है, दिव्य के साथ दिव्य ही रमता है, जो दिव्य नहीं है तो साइड पकड़ेगा। कई समझदार लोग, हमारे ड्राइवर जी जब सड़क पर चलते हैं तो किसी गाड़ी को पास नहीं देते। मैं कहता हूं कि क्यों भाई, मुझे के कहीं भिड़ाएगा? तो एक दिन बोले कि महाराज जी, जब कोई छोटी गाड़ी पास होती है ना तो मुझे टेंशन होता है। हमने कहा भाई, लेकिन तुम मेरी अटेंशन में रह, तुम्हें टेंशन होता है, कहीं उसको लग गया तो मुझे टेंशन होगा। मेरा नियम है, आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं, चाहे वो ठोक दे। क्योंकि जैसे आप रोकोगे गाड़ी, अरे महाराज जी कोई बात नहीं जाइए। तो ये सुनने से अच्छा है कि आप पास होने दो। बोला हाँ आप पास होने दो। ये बड़ी समस्या है, सोचिए। ड्राइवर जी मेरे कहते हैं कि मेरे आगे जब कोई पास होती है गाड़ी तो मुझे टेंशन होता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने को बहुत दिव्य मान लेता है तो उसको भी जब कोई पास होता है तो टेंशन होता होगा। जैसे आप श्रोता लोग हैं ना, ये जो श्रेष्ठ श्रोता हैं, इनके आगे जब कोई निकलता है तो मैं तो देखता हूं ना, उसको टेंशन होता है, ये कौन है वीवीआईपी की मेरे बाद में आए, आगे चले जा रहे हैं, मैं पीछे ही बैठा रह गया। ये सबको होता है। बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दिव्यत्व का वर्ण करो। जो दिव्यत्व का वर्ण करने का अभ्यासी हो गया, इस जन्म में नहीं दिव्य होगा तो अगले जन्म में दिव्य होगा। दिव्यत्व का वर्ण करो, छोटी सोच रखो ही नहीं, बड़ा होगा, बड़ा होगा। हो गया ना, समय आ गया। क्या देखिएगा, लगन से पहले बारात आ गई, 15 दिन पहले पूरे नगर में बरातियों का स्वागत हो रहा है। कोई ये भी नहीं पूछ रहा है आप कहां से आए, क्यों आए। अरे सब इसी में मगन है कि बारात आ गई। मिथिला वासियों का स्वागत देखकर बराती लोगों को अपने घर द्वार की सुधि भूल गई। हम लोग चलेंगे 28 को, लौटेंगे 1 को, मिथिला वास करेंगे, आनंद करेंगे। हाँ पहली काम हुआ क्या साहब, आनंद होगा। हाँ घूमेंगे मिथिला, गुलजार नगरी है, मेरे लाला की ससुराल है। तीर्थ में आइए ना तो भागम भाग मत करिए, थोड़ा आनंद लीजिए, थोड़ा रस में रहिए। अयोध्या जी तो तब आइएगा जब हम वहां रहे, तो हम आपको दर्शन कराएंगे।
महात्माओं के दिव्य दर्शन। आज भी श्री अवध में सिद्ध पुरुष अनेक रहते हैं जिनको आपने देखा नहीं होगा। अरे देखते तबीयत करके बन जाते। देखिए समय आ गया है इस विवाह का, गीत है द्वार पूजा का, किसी में चौपाई है। लगन आता है, बारात चलेगी इस समय, बारात का मुहूर्त का लगन आया गोधूली वेला में। हम लोग शहर वाले हैं, नाम का गांव में होता है, शहर में तो ये सब कुछ नहीं होता है। बस बाजा बजा पहुंचे, लेट किधर है उधर क्या हुआ दूल्हा द्वार पूजा कुछ नहीं हो। देखिए बारात चली, बहुत सारा पद है, एक अंतरा आप सुनिए।
मिथिलानियाँ मेरी माँ की सखियाँ दुल्हा सरकार रघुनाथ जी का परिछन करती हैं। राघो धीरे चलो इस ससुराल गलिया, राघो धीरे चलो इस ससुराल गलिया, राघो धीरे चलो। मिथिला नारी देवांगनाएं माँ की साज सज्जा में उपस्थित हैं, देवता बरात में सम्मिलित हैं। किसको क्या कहाँ कब कैसे ये अपने आप निश्चय करना चाहिए। काम बताना पड़ता है, कर्तव्य को स्वीकार करना पड़ता है। मेरे लिए कोई काम हो तो बताइएगा, 8 बजे आइएगा, भोजन है। जो काम पूछता है वो कर्तव्य नहीं जानता है, जो कर्तव्य जानता है वो पूछता नहीं है, वो अपना काम ढूंढ लेता है। ये मेरा कार्य है, अब सब आप लोग करिए, ये सब ये मैं करूंगा, ये मेरा कार्य है, ये कर्तव्य है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।